हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आती रहे। तो दोस्तों, आज मैं एक मलयालम मूवी के टीजर को रिएक्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है काप। और इसके अंदर हमें पृथ्वीराज सुकुमारन सर दिखने वाले हैं, आसिफ अली सर दिखने वाले हैं। दोनों ही बेहतरीन एक्टर है, दोनों की मैं मूवी देख चुका हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस मूवी के लिए कि भाई इसमें क्या होने वाला है। क्योंकि पृथ्वीराज सर को मैंने जो प्रीवियस मूवी में देखा, जो मैंने कड़ुआ मूवी देखी थी, उसके अंदर फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे थे। तो देख लेते कि गाइज इसके अंदर क्या होने वाला है, क्या हमें इसके अंदर भी सर एक्शन में नजर आएंगे या फिर कुछ और अलग अंदाज में नजर आएंगे। चलो देख लेते। അവന്റെ സഹോദരനെയോ അളിയനെയോ അച്ചമ്പിയോ ആരെയെങ്കിലും ഈ ഗ്യാങ് അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കും, എന്നിട്ട് ആ കൊലയ്ക്ക് പകരം വീട്ടും. ഓക്കെ, ബദല ലേനെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഗ്യാങ് വാർ ദിഖാറേ ഭായി. ഓക്കെ, एंट्री हो रही है भाई। घड़ी को रखो बाजू में। भैया ये पड़ी है वो टिक्की। ओके, एक्शन तो धांसू होने वाला है। वट्टे कड़चे नडा इधर वाले एपियो। ओके, फाइट अलोन। ओए होए, कापो। ओके, तो टीजर ही था, छोटा सा टीजर, पता नहीं चला, लेकिन इतना पता चल रहा है कि भाई गैंग वॉर की बात हो रही है। हर किसी का गैंग है और जैसे स्टार्टिंग में बताया गया था कि भाई तिरुवनंतपुरम में जो भी गैंग लीडर मरता है या फिर गैंग का कोई मेंबर मरता है तो उसका ब्रदर या ब्रदर इन लॉ उसकी जगह ले लेता है ताकि भाई उसकी डेथ को एवेंज कर सके और जिसने मारा है उसका उसे बदला लिया जा सके। तो इसका रिलेशन क्या है पृथ्वीराज सर के साथ? और ट्रेलर काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मतलब जिस हिसाब से शूट किया गया, एक गैंग वॉर तो नज़र आ रही है, एक गैंगस्टर मूवी नज़र आ रही है और पॉलिटिक्स भी नज़र आ रही है इसके अंदर कि भाई पॉलिटिक्स भी हो रही है और पॉलिटिक्स मतलब किन के बीच में हो रही है भाई, जो गैंग मेंबर्स है और जो गैंग अलग अलग गैंग्स हैं उनके बीच में पॉलिटिक्स भी आपको नज़र देखने के लिए मिल रही है। और एक्शन तो फुल ऑन एक्शन है और जिस हिसाब से इन्होंने डार्क टोन में शूट किया है, सिनेमाटोग्राफी बहुत बहुत ही कूल इफेक्ट दे रहा है। पीछे का जो BGM है वो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है और पृथ्वीराज सर की एंट्री होती है उसके बाद से मुझे लग रहा है कि ये टोटल मास मूवी होने वाली, क्योंकि एक्शन उस लेवल का होने वाला है। और अभी टीजर है तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि स्टोरी इतनी खुल के नहीं आ रही है। इतना पता है कि भाई जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ऑब्वियसली गैंग वॉर के आसपास घूमेगा। हर कोई जो गैंग्स होगी उनके गैंग मेंबर होंगे और कौन सा मतलब मेन प्लॉट होगा और किस चीज़ के लिए लोग लड़ रहे होंगे वो देखने लायक होगा, जो कि इस टीज़र में अब तक नहीं बताया। हो सकता है जब ट्रेलर निकलेगा तब बताएंगे, लेकिन जिस हिसाब से टीज़र है, टीज़र में जितना दिखाया गया है वो बहुत सही लग रहा है और अपील कर रहा है भाई। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है गैंग वॉर का, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा जॉनरा है कि जो कहीं ना कहीं एक्शन के साथ साथ डायलॉग्स और इंटेंसिटी के ऊपर बहुत चलता है। तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर वो इंटेंसिटी नज़र भी आ रही है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि हाँ, ये जो गैंग वॉर दिखाने वाले हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त होगा। और अभी तो टीज़र ही है, जब ट्रेलर आएगा तो ज़्यादा पता चलेगा। और मुझे तो बहुत सही लगा यार, आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।